राम मंदिर का निर्माण, 32 सीढ़ियां चढ़कर मिलेंगे राम, 3 तल के राम मंदिर में 400 से ज्यादा स्तंभ लगेंगे, गर्भगृह 10.5 × 10.5 वर्ग मीटर का होगा। राम मंदिर की नींव पर अब तक खर्च हो चुके हैं 200 करोड़। मंदिर निर्माण पर खर्च होना है कम से कम 1100 करोड़। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों को 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 3 तल के राम मंदिर में 400 से ज़्यादा स्तंभ लगेंगे, 170 स्तंभ भूमि तल पर, 150 स्तंभ प्रथम तल पर और 100 से अधिक स्तंभ दूसरे तल पर बनेंगे। मंदिर का गर्भगृह 10.5 मीटर लंबा होगा। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाएगी। पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार होगा। राम मंदिर के गर्भगृह के लिए सीधा रास्ता सुग्रीव किला से जाएगा। गर्भगृह और गृह मंडप 3 तरफ दीवारों से युक्त होगा। नृत्य मंडप और रंग मंडप के रूप में 2 अग्रणी प्रखंड खुले होंगे। इसकी छत आकर्षक स्तंभों पर टिकी होगी। ये तमाम जानकारियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी हैं। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं और क्या क्या विशिष्टताएं होंगी राम मंदिर में। तीन मंजिला होगा दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर। राम मंदिर के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले के अनुसार राम मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से पैक होगा। कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप का क्षेत्र खुला होगा। प्रथम तल पर राम दरबार विराजित होंगे। राम मंदिर का परकोटा करीब 60 फीट ऊंचा होगा। 350 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा मार्ग भी होगा। परकोटे में माता सीता, लक्ष्मण, गणेश सहित अन्य देवी देवताओं के 6 मंदिर भी होंगे। 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी बुनियाद पर 21 फीट ऊंचे अधिष्ठान का निर्माण होगा। इसके लिए कर्नाटक से 10,000 घन फीट ग्रेनाइट आ चुकी है। अधिष्ठान में कुल 26,000 घन फीट ग्रेनाइट लगेगी। अधिष्ठान निर्माण फरवरी में शुरू होगा। इस काम में 4 से 5 माह का समय लगेगा। फरवरी माह में राम मंदिर का आधारभूत ढांचा दिखना शुरू हो जाएगा। इंजीनियर फील्ड मटेरियल से ढाली गई है राफ्ट। राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के लिए 50 फीट नीचे से 48 लेयर की नींव तैयार हुई है। इसकी ढलाई उच्च कोट के इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल से की गई है। नींव को 5 फीट मोटी 1 फीट और सतह से भरा गया है। यह राफ्ट के रूप में है। राफ्टिंग में कंक्रीट, विशेष किस्म की सीमेंट, पत्थरों का पाउडर आदि का मिश्रण प्रयोग हुआ है, जिसकी मजबूती असंदिग्ध है। अब कार्यदायी संस्था ने प्लिंथ निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मटेरियल एकत्र कर लिया गया है। मजदूरों और टेक्नीशियंस की भी व्यवस्था कर ली गई है। आगे का काम 2 पालियों में किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक एक ही पाली में काम हो रहा था। मंदिर निर्माण में मशीनों का अधिक हो रहा उपयोग। राम मंदिर की नींव के निर्माण में अभी तक श्रमिकों की जगह अधिक से अधिक मशीनों का ही उपयोग हो रहा है। फिलहाल मंदिर निर्माण में 250 श्रमिक लगे हैं। इनमें 35 से 40 इंजीनियर हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में गहराई तक खुदाई करने के लिए अत्याधुनिक कासा ग्रेनेड मशीनें लगाई गई थीं। लार्सन एंड ट्यूब्रो के विशेषज्ञ इंजीनियरों के अनुसार अत्याधुनिक कासा ग्रेनेड मशीन जमीन के नीचे न सिर्फ खुदाई आसान कर गई, बल्कि अंदर ही अंदर ये पिलर डालते हुए बाहर आई थी। इससे मजदूरों को बहुत सीमित संख्या में कार्य पर लगाना पड़ा। दिसंबर 2023 तक रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिए जाएंगे।
राफ्ट की ढलाई के बाद इसी माह के अंत तक मंदिर निर्माण का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। राम मंदिर की नींव पर अब तक खर्च हो चुके हैं 200 करोड़। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की नींव के निर्माण में अब तक कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इतनी बड़ी राशि से गर्भगृह के लिए नींव की खुदाई, ढलाई और जमीन के समतलीकरण का कार्य किया गया। नींव में लगने वाले पत्थर की ढुलाई और कटाई पर भी बड़ी राशि खर्च हुई है। मजदूरों और तकनीशियंस को भी उनके मेहनताने पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण पर कम से कम 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब तक विभिन्न स्रोतों से लगभग 3700 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दान की राशि अभी आ रही है। ये सारी धनराशि विभिन्न बैंकों में जमा है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 3700 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये धनराशि PNB, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा है। अनुमान है कि 6500 करोड़ से अधिक की राशि मंदिर निर्माण के अंत तक जमा हो जाएगी। हाई रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके सहन कर सकता है राम मंदिर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत साह के अनुसार भूकंप जोन में सबसे सुरक्षित स्थान पर अयोध्या है। यह भूकंपीय जोन 2-3 की श्रेणी में आता है। सबसे खतरनाक भूकंप जोन 4 और 5 श्रेणी माना जाता है। अयोध्या में बड़े भूकंप आने की संभावनाएँ बहुत कम हैं। हाँ, भूकंप के छोटे छोटे झटके जरूर महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप के झटके आते रहें तब भी राम मंदिर पर किसी तरीके से कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में भूकंप रोधी निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राम मंदिर मॉडल बनाने वाले सोमपुरा परिवार के आशीष सोमपुरा का कहना है कि राम मंदिर का ऐसा निर्माण किया जा रहा है कि यदि 2500 वर्षों तक भूकंप के झटके आते रहें तब भी राम मंदिर पर किसी तरह से कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर भूकंप रोधी प्राचीन पद्धति के अनुसार कुछ हेर फेर बदल कर बनाया जा रहा है। 6 जनवरी को आए भूकंप को स्ट्रक्चर पर एनालिसिस किया गया। इसी 6 जनवरी को आए भूकंप के बाद CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों ने और चेन्नई के वैज्ञानिकों ने मिलकर राम मंदिर भूकंप रोधी हो इस पर विशेष रिसर्च किया। भूकंप के बाद निर्माण कार्य के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से एनालिसिस किया गया। विश्लेषण के बाद CBRI रुड़की और चेन्नई के वैज्ञानिकों ने राम मंदिर निर्माण को सेफ स्ट्रक्चर करार दिया। रिपोर्ट के अनुसार हाई रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटके भी राम मंदिर सहन कर सकता है। राम मंदिर निर्माण में हजारों साल से चली आ रही विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इस पुरातन शिल्प शास्त्र के अनुसार राम मंदिर के निर्माण में कॉलम और बीम पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें आज की जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। मंदिर की मजबूती परखने के लिए बनी है इंजीनियरों की 8 सदस्यीय समिति। भूकंप हो या फिर आंधी तूफान और बारिश जैसी कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, इससे मंदिर को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मंदिर की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और निर्माण समिति ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसमें देश के प्रतिष्ठित इंजीनियर शामिल हैं। विभिन्न भू तकनीकी सुझावों और निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और उच्च कोट की सामग्री का इस्तेमाल सुझाना इस समिति का काम है, ताकि हजारों हजार साल तक मंदिर दीर्घायु हो। इस समिति में प्रोफेसर BS राजू, पूर्व निदेशक IIT दिल्ली, अध्यक्ष प्रोफेसर N विष्णु गोपाल,
कृष्णन, निदेशक CBRI रुड़की कन्वेयर प्रोफेसर RS गांधी, निदेशक NIT सूरत सदस्य, प्रोफेसर TG सीताराम निदेशक IIT गुवाहाटी सदस्य, प्रोफेसर B भट्टाचार्य जी एमरेटिज प्रोफेसर IIT दिल्ली सदस्य, AP मूल सलाहकार TCI सदस्य, प्रोफेसर मनु संथानम IIT मद्रास सदस्य, प्रोफेसर प्रदीप्ता बनर्जी IIT मुंबई सदस्य शामिल हैं। इसी तरह से और भी कई सदस्य, कई और विशेषज्ञ राम मंदिर निर्माण के कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तमाम और अन्य जानकारियों के साथ।